नमस्कार ते सत श्री अकाल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये है 2023 NS200 बजाज पल्सर की तरफ से, और ये इसके अंदर क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या ये नया आपको ऑफर करती है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप इसकी डिज़ाइन देख लो, ये गाड़ी आपको कम्प्लीटली न्यू लग रही होगी बिकॉज इसका जो कंप्लीट ग्राफिक है वो भी चेंज हुआ है, और इसके अंदर और क्या क्या आपको मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इस गाड़ी के फ्रंट से चालू करते हैं। फ्रंट में आपको यहाँ पे बड़ा सा हेडलाइट देखने मिलेगा, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे ये जो नीचे है ये आपके DRLs हैं। यहाँ पे आपको हेलोजन इंडिकेटर्स देखने मिलते हैं, जो मुझे पर्सनली नहीं पसंद है। हेलोजन की जगह इनको LED होना चाहिए था, कंप्लीट LED सेटअप होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको USD देखने मिलता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया। ऊपर आएंगे तो आपको कंप्लीटली देखो रेड कलर का पूरा सेटअप देखने मिल रहा है। जो ग्राफिक है इसकी रेड कलर की है, बहुत प्यारा लुक देता है। रेड, व्हाइट और ब्लैक, ये तीनों मिलकर बहुत अच्छा इसको लुक देते हैं। ऊपर आते हैं, ऊपर यहाँ पे टंकी पे आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है E20। E20 मतलब क्या है, जो पेट्रोल जिसके अंदर E20 वाला इथेनॉल ऐड किया हुआ है वो अब इन गाड़ियों में चलेगा। हमारी ये डेली कम्यूटिंग के लिए हम लोग ये बाइक्स यूज़ करते हैं। डेली कम्यूटिंग के हिसाब से ये वाली बाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, अगर क्योंकि अभी हर जगह पर E20 वाला पेट्रोल ही आने वाला है। यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही प्यारा दिख रहा होगा, जितनी भी वार्निंग्स है एक साइड में, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे आपको RPM मीटर मिलता है, गियर इंडिकेटर, यहाँ पे आपको स्पीड मिलेगी। यहाँ से मोड का बटन है, चेंज करके आप यहाँ पे ट्रिप 1 ट्रिप 2 वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे इंडिकेटर्स की लाइट है, बैटरी है, फ्यूल है, टेम्परेचर है, इसके बाद इंजन चेक की लाइट है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे ना एक छोटा सा बटन है RPM लिमिट का, मैं इसको अगर ज़्यादा खींचूंगा ना तो वहाँ पे वो वाला चालू हो जाएगा। चाबी की अगर मैं बात करूँ तो इसकी वही सेम, जैसे डोमिनार में चाबी आती है सेम वही है, और कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इसमें। यहाँ पर आते हैं, राइट हैंड साइड में आपको दो ही बटन है, दिस इज इंजन किल, और यहाँ पर है आपका इंजन स्टार्ट। लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पे हाई बीम लो बीम का इंडिकेटर्स है, हॉर्न है, और अलॉन्ग विद दैट पास लाइट है। हॉर्न सुनाता हूँ मैं आपको। ओके, थोड़ा और बेटर होना चाहिए था इस गाड़ी के अंदर, बिकॉज हम लोग इसको डेली यूज़ करते हैं और जैसे ट्रक वाले और कार वाले चलाते हैं तो ध्यान नहीं देते। इस गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पर स्प्लिट सीट का ऑप्शन देखने मिलता है। स्प्लिट सीट इस गाड़ी के अंदर देखो कंफर्टेबल है टिल 50, 50 की स्पीड पे चलाओगे तब तक कंफर्टेबल है। उसके अलावा ये गाड़ी कंफर्टेबल नहीं है पिलियन के लिए, पीछे वाला बंदा चलाएगा उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है। पीछे भी यहाँ पर रेड बैजिंग मिलती है, आप अगर इस गाड़ी को सामने से देखोगे तो काफ़ी अच्छी लगेगी। NS200 की बैजिंग है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स है। नीचे देखोगे तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे बस एक सारी गार्ड आपको दिया हुआ है। दो स्टैंड के साथ आती है, सिंगल स्टैंड प्लस डबल स्टैंड, यहाँ पे इंजन कट ऑफ सेंसर भी दिया हुआ है। गाड़ी ये जो है ये 6-speed गियरबॉक्स के साथ आती है, और काफ़ी अच्छा पावर और काफ़ी अच्छा ये रिफाइनमेंट जो है गाड़ी का वो दिखाती है। साइड प्रोफाइल देख लो इसकी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके इंजन की। इसका जो इंजन है दैट इज़ 199 cc, ये पावर आपको जो प्रोड्यूस करके देगा दैट इज़ 24 bhp, अलॉन्ग विद दैट 18.74 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है। इसके अंदर आपको ड्यूल चैनल ABS मिलेगा, ड्यूल डिस्क सेटअप है, अलॉन्ग विद दैट इसके अंदर आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने मिलेगा। बाइक जो है वो लिक्विड कूल्ड है, फ्यूल इंजेक्टेड है, 6-speed गियरबॉक्स है, और साथ ही साथ मैं बात करूं अगर इसके माइलेज की, ये आप ये जो आपको माइलेज देगा दैट इज़ 40 km/l। फ्रंट में आपको ABS देखने मिलता है, अपसाइड डाउन सस्पेंशन है। अलॉन्ग विद दैट हम लोग बात करते हैं इसके टायर की। फ्रंट टायर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 17 inches का 100x80 का अलॉय व्हील मिलता है ट्यूबलेस टायर के साथ। रेयर टायर पर आते हैं तो रेयर टायर की जो साइज़ है दैट इज़ ऑल्सो 130x70 17 inches ट्यूबलेस एलॉय आपको देखने यहाँ पर मिलेगा। आते हैं गाड़ी के बैक साइड में, यहाँ पे आपको LED टेल लैम्प मिलेगा, और साथ ही साथ इंडिकेटर्स आपको हेलोजन मिलते हैं। छोटा सा यहाँ पर देख रहे हो रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। नीचे आपको यहाँ पर टायर हगर भी दिया हुआ है, यानी कि जब आप गाड़ी चलाओगे तो पीछे कीचड़ नहीं उड़ेगा। पहले बहुत ज़्यादा होता है यार, बहुत सारी गाड़ी में नहीं आता, इसके अंदर देते हैं, थोड़ी अप्रिसिएशन वाली बात है। NS200 जो है वो फ्यूल इंजेक्टेड गाड़ी है, इससे रिफाइनमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सारी बाइक जो होती है ना जिसके अंदर ज़्यादा मेंटेनेंस का खर्चा नहीं आता। आते हैं NS200 की ऑन रोड प्राइस पे, विच इज़ 1,81,000 ऑन रोड इन मुंबई, जहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दिस इज़ पाइनियर बजाज इन साकीनाका। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन जस्ट कम हेयर एंड टेक अ टेस्ट राइड, और साथ ही साथ आप इस गाड़ी को एक्सपीरियंस कर सकते हो, बुकिंग कर सकते हो। सारी डिटेल्स जितनी भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए